तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज जबरदस्त एक्शन है, यानी कि एफएनओ बजर्स। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस, आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। पहले नजर डालेंगे उन शेयरों पर जहां पर एक्शन जबरदस्त है तेजी की तरफ। डीएलएफ, यह स्टॉक आज का स्टार परफॉर्मर, जो अब भी 2 से 2.5% मजबूत बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में 13% की बढ़त, बता रही कि काफी दमदार तेजी के सौदे ट्रेडर्स यहां पर बना रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, यहां पर भी अच्छी खरीदारी आज होती दिख रही है। इनफैक्ट सारी एनबीएससी आज काफी मजबूती के साथ प्रदर्शन करती हुई दिख रही है और ओपन इंटरेस्ट में यहां पर इजाफा बता रहा है कि लॉन्ग पोजीशन बनने के सारे संकेत है। कैन इंडिया निचले स्तर से लगातार उछलता हुआ दिख रहा है, क्रूड की कमजोरी के बावजूद अच्छी मजबूती 2% की और 4% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त, तेजी की पोजीशन बनने के सारे संकेत है। लेकिन कुछ कमजोर शेयर भी देख लें आप, जहां पर आज नुकसान होता दिख रहा है। यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यहां पर अगर आप देखें तो साफ तौर पर 3% का नुकसान है और ओपन इंटरेस्ट में 5% की बढ़त, बता रही कि शॉर्ट पोजीशन बनती दिख रही है इस काउंटर पर। आईडीबीआई बैंक भी वैसा ही रुझान दिखाता हुआ और सन फार्मा में शॉर्ट पोजीशन बनने के सारे संकेत इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। चलिए, ये तो हुई बजट की बात, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पर डालें नजर। 33 अंकों का नुकसान आपको इस वक्त दिखेगा सेंसेक्स में, निफ्टी 15 अंक नीचे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग बाजार दिखा, कल के हाई के आसपास हम पहुंचे हैं निफ्टी पर। 7,547 का कल हमने हाई बनाया था, आज 7,543 का हाई बनाया। कल हमारा लो था 7,447 और उससे 15 पॉइंट ऊपर का आज हमने लो बनाया है 7,463 के आसपास। तो कल के लो को नहीं तोड़ा है, कल के हाई को नहीं तोड़ा है, लेकिन उतार चढ़ाव जबरदस्त दिखाया। आज दिन का चार्ट देखिए निफ्टी का, किस तरह से हमने शांत शुरुआत की, फिर रिकवरी, फिर कमजोरी, फिर रिकवरी और फिर से कमजोरी। तो भारी उतार चढ़ाव इस वक्त आपको नजर आएगा बाजार में आज के ट्रेडिंग सेशन में। देखिए किस तरह से एक्शन होता दिखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर मजबूती थी और अब यहां पर भी कमजोरी हावी होती दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा वॉलेटाइल अगर कोई इंडेक्स है तो वो है बैंक निफ्टी। उतार और चढ़ाव दोनों ही काफी जबरदस्त होता है। 15,300 का ऊपरी स्तर छू चुका है और 15,000 के नीचे के जो हमारी ट्रेडिंग रेंज का लेवल था उसके बेहद करीब इस वक्त बैंक निफ्टी। आइए निफ्टी फ्यूचर्स पर नजर डालें, किस तरह की पोजीशंस आज के सेशन में बनी है। कल हमने निफ्टी फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट में कमी आते हुए देखी थी, प्रीमियम हो चुकी थी डिस्काउंट से। आज देखें तो डिस्काउंट थोड़ा बढ़ता हुआ 12 पॉइंट के आसपास का, तो 3 पॉइंट की प्रीमियम से हम 12 पॉइंट के डिस्काउंट में, यानी 15 अंकों का फर्क तो यही हो गया। 5 लाख से ज्यादा शेयर जुड़ चुके हैं ओपन इंटरेस्ट में इस वक्त। थोड़ी मंदी की पोजीशन बनने के संकेत है, लेकिन मंदी की पोजीशन भले यहां हो लेकिन डॉलर रुपी में कोई खास बदलाव नहीं। 3 पैसे के आसपास की कमजोरी इस वक्त आपको दिखेगी करेंसी मार्केट में, तो कोई खास नुकसान वहां पर नहीं है इस वक्त। चलिए शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को, बात करेंगे उनसे और सबसे पहले शुरुआत करें किरण यादव के साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के। बताएं किरण, क्या ट्रेड है आपका इस वक्त निफ्टी पर? पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि हम एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, पर लोअर बॉटम नहीं बना रहे और ऊपरी स्तरों में कल का भी हाई और आज का भी हाई एक ही है, तो ट्रेंड ऊपरी मीडियम टर्म का स्ट्रांग है। जब तक हम लोअर बॉटम नहीं करते तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट ट्रेंड जो है सर हो चुका है। हालांकि 7550 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर दिख रहा है, क्योंकि हम बहुत नजदीक आ गए सपोर्ट के, तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 7450 का और टारगेट के लिए 7550 का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये है राय इस वक्त किरण की। और परसों भी आपको याद होगा किरण ने निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी करने की राय दी थी और उसके बाद बाजार में उछाल आया। आज भी कह रहे हैं कि निचले स्तर पर खरीदारी ही करें, 7,450 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपरी स्तर पर यहां पर 7,550 के लक्ष्य, तो रिस्क काफी कम है, 15 अंकों की आपको एक रिस्क लेनी है और ऊपर की तरफ मुनाफा बनने के पूरे आसार। हमारे साथ अब निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुखे जुड़ चुके हैं, विकास से भी लेते हैं उनकी राय निफ्टी पर। बताएं विकास, इस उतार चढ़ाव भरे बाजार को कैसे ट्रेड करेंगे आप? जी हाँ, जैसे किरण जी ने जो बोला है जो मैं भी एग्री करता हूँ कि निफ्टी अगर देखोगे तो 7440 7430 के आसपास जब भी आ रहा है वहां से एक बाउंस बैक मिल रहा है, तो मेरी राह से यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए। डाउन साइड में 7440 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसको सपोर्ट वो स्टॉप लॉस रखे। अपर साइड में 7570 के टारगेट मुझे अभी भी इंटैक्ट लग रहे, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे करके जाना चाहिए बाइंग। ओके, खरीदारी करके जाए, विकास की भी राय है यहीं पर तेजी करने के लिए। आज से लगभग वही लेवल है स्टॉप लॉस के, 7,440 और 7,550 के लक्ष्य के लिए। यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर नजर आता है खरीदारी करने के लिए। आपसे वैशाली पारिक हमारे साथ है प्रभुदास यादव से, पूछते हैं उनकी राय। बताइए वैशाली, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? मैंने एक्चुअली देखा है 2-3 दिन से निफ्टी काफी
रेजिस्ट कर रहा है 7530 लेवल्स के आसपास. आज ब्रेकआउट थोड़ा दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, इसलिए मेरी सेल की स्ट्रेटेजी थी 7450 के लिए. तो वहां तो ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं 7460 स्पॉट पे बन चुका है. तो आई थिंक फॉर एन इंट्राडे लेवल 7430 तक सपोर्ट आता है, तो वहां पे एक बाइंग का स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए. ओके, तो खरीदारी करें निचले स्तर पर, लेकिन फिलहाल ऊपर के स्तर पर आए तो फिर बिकवाली का मौका बनेगा. लेकिन क्योंकि 7450 का लेवल वैशाली का बेहद नजदीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं. तो वैशाली का कॉल एक तरह से न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके टारगेट के बेहद नजदीक पहुंच चुका है निफ्टी. अमित हरचेकर हमारे अगले एक्सपर्ट हैं ए प्लस एनालिटिक्स के. बताएं अमित, आपकी क्या राय है इस वक्त निफ्टी पर? देखिए, पिछले दो दिन का डेटा डेरिवेटिव साइड में काफी नेगेटिव हो चुका है. कल भी हमने वीवीएफ बेस्ड सेलिंग देखी जो कि अराउंड 7510 से शुरू हुई और 7480 तक एक्सटेंड हो गई. आज भी हमने देखा कि ऊपर के लेवल से फिर से वीवीएफ सेलिंग आई है. तो ये दो दिन का डेटा ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलिंग आगे भी कंटिन्यू रह सकती है. तो मेरी राय ये होगी कि अब 7570 के स्टॉप लॉस से स्पॉट में निफ्टी में शॉर्ट पोजिशन बनाए. 7400 फर्स्ट टारगेट होगा और उसके नीचे 7320. तो व्यू दो तीन दिन के लिए नेगेटिव का ही रहेगा.